Hi, I'm just now doing a kind of energy cleaning, you can say. You can say the smoke, and here is the smoke, and here is it. Okay, so. I'm just setting up my spiritual kingdom. सही, अभी बैठ रहा हूं। कैसे हो आप लोग? आप सब लोग कैसे हो? तो ये एक ऐसा टॉपिक का वीडियो है जो हम देखेंगे आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस के हिसाब से। आपके स्पिरिचुअली कौन से चीज के ऊपर फोकस करना होगा, स्पिरिचुअली कौन से चीज के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हो, एंड आपको यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। इन अ वन वर्ड में एक चीज बोल सकता हूं कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो क्यों फील कर रहे हो। एंड इन अ वन वर्ड में ये भी बोलना चाहता हूं कि ये वीडियो छोटा है, एंड तक देखिए। एंड एंड तक देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मैं आज जो क्विक एनर्जी अपडेट लेके आया हूँ वो एनर्जी अपडेट हो सकता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो अगर आपके पास कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसके कारण शायद आज आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ट्रिगर कर रहे हैं, तो आपके बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के मैसेज लेके आया हूँ। इस माइंड बॉडी एंड स्पिरिट के मैसेजेस को देखेंगे, बट मैसेजेस को देखने के पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग चाहे बहुत खुश हो या फिर डिप्रेस्ड हो या फिर सिंगल हो, बट ये मत समझे कि आप अकेले हो, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि हम सब लोग अकेले हैं। और मैं जितना लोगों के साथ दिन भर बातें करता हूँ, एक चीज मेरे को कॉमन है कि हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में हम लोग कुछ चीज ढूंढ रहे हैं जो चीज ऑलरेडी हमारे पास है। तो आप भी अगर भटक जा रहे हो या फिर प्यार को समझ नहीं पा रहे हो, तो सिंपल मैं एक चीज बोल रहा हूं कि आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो। और खुद को प्यार करने के लिए क्या चाहिए? वक्त, थोड़ा सा वक्त दीजिए ना खुद को, थोड़ा सा टाइम आप निकालिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुइसाइडियल हो रहे हो, बेफालतू का सोच है ये, मत हो जाओ। डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, टाइम का खेल है। आपके जो भगवान है, आपके जो स्पिरिचुअल ऑलमाइटी है, उसके ऊपर यकीन करना ही होगा माय ब्रदर एंड सिस्टर, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप यहां तक आए हो उसके वजह से, और आप बाकी रास्ता सफर जो है वो भी आप कंप्लीट करोगे उनके ही वजह से। हम लोग जितना भी साइंटिफिकली करेक्ट क्यों ना हो गए या फिर डेवलप्ड क्यों ना है, एक चीज तो बहुत सिंपल है, राइट? कि हम लोग अभी भी एक जान को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वो एक डिवाइन मिरेकल है। सो जब हम लोग जान को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई ना कोई है जो ये चीज को क्रिएट कर रहे हैं। मैं चाहे आप भगवान मानो या फिर ना मानो, मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट एट ऑल अ रिलीजियस बेस्ड पर्सन। मैं ह्यूमैनिटी को बिलीव करता हूं, और मेरे लिए दूसरों को सेवा करना, क्षमा करना, दूसरों के मदद करना ही रिलीजियन है। चाहे वो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, और कोई भी और रिलीजन में क्यों ना आप हो, मेरे लिए सब चीज समान है। मेरे लिए रिलीजन सबसे बड़ा रिलीजन है ये ह्यूमैनिटी। ओके, सो आज आपकी बॉडी माइंड एंड स्पिरिट आपके लिए क्या बोल रहे हैं देख लेता हूं। चलिए देखिए, पहला बात आता है नाइट ऑफ शोर्ड्स। आज आपका बॉडी आपसे बोल रहे हैं कि मेरे को रेस्ट दो, आप मेरे को बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हो। क्यों बोलो तो, आप जब रात में सोते हो ना, तब आप पूरे पाइल अप करके सोते हो, और आपके दिमाग में हर वक्त एक ना एक चीज चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हो सकता है आप टॉरस कप्स जेमिनाई हो, यानी कि टॉरस एंड जेमिनाई के मिश्रण हो, या फिर हो सकता है आपके मून साइन लिब्रा एक्वेरियस वर्गो हो सकते हैं। कंटिन्यूसली बिजी रह रहे हो आप। मेरे को पता नहीं है कि क्यों आप इतना बिजी रह रहे हो। इतना पैसे का चिंता मत करो, इतना गोल्स की चिंता मत करो, नंबर्स आपको सेव नहीं करेंगे।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, नंबर आपको सेव नहीं करेंगे, जो सेव करेंगे वो है अपने आप, आपको खुद को आप सेव करेंगे, आपके दोस्त आपको सेव करेंगे। अगर किसी दोस्त को आप कॉल नहीं किए हो तो कॉल कर लो, अगर बहुत काम करके थक गए हो तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो, अगर काम ढूंढ रहे हो काम नहीं मिल रहा है तो प्लीज लैपटॉप बंद कर लो, थोड़ा सा रेस्ट रेस्ट चाहिए, प्रे कर लो 5-10 मिनट 15 मिनट ऐसे मुद्रा कर लो, प्रे कर लो। आज बहुत ज्यादा थकान जा रहा है और आपका दिमाग बोल रहा है कि अभी थोड़ा सा सुकून चाहिए आपको, थोड़ा सा सुकून। ओके नेक्स्ट देख लेता हूं। माइंड कुछ डिसाइड करने के लिए सोच रहे, पास्ट की बातें याद आ रहे, पास्ट के मेमोरीज बहुत याद आ रहे, किसी को पाने के लिए दिल कर रहे बट उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई है आपके पास और आप किसी और के प्यार में हो या फिर किसी और के पास हो बट मन किसी और की चीज के ऊपर है, आज का आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, माइंड ना थोड़ा सा नेगेटिव हो जा रहे और आपका माइंड बार बार आपको बोल रहे कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप जस्टिफाइड हो, क्या आप खुद के साथ सही कर रहे हो। हो सकता है कोई पर्सन आपको छोड़ा है और आप ये सोच रहे हो कि दुनिया में सब लोग खराब है, सब लोग आपको छोड़ देंगे, गलत हो, ऐसा होता है। देखो अभी इसी वक्त जो आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए मैं क्या हूं, एक गाइड हूं, एक मेंटर हूं, एक प्यारा पर्सन हूं, एक फ्रेंड हूं, बट मेरे को जो लोग रिजेक्ट किए हैं शायद उनके लिए मैं टॉक्सिक पर्सन था या फिर उनके लिए मैं कुछ खास पर्सन नहीं था या फिर अच्छा पर्सन नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप किसी के लिए अच्छा पर्सन बनोगे, किसी के लिए बुरा पर्सन बनोगे, चाहे आप जितना भी कुछ कोशिश करो, तो बेटर ये होता है कि भाई खुद को एक्सेप्ट कर लो और जो चीज सच में पसंद करते हो उस चीज में ट्राई करो, किसी दूसरे चीज के लिए नहीं। जैसे कि मान लो आप यूट्यूब करना चाहते हो बट वो चीज सिर्फ फेम पाने के लिए नहीं हो सकता है, उस चीज पे आपको प्यार करना होगा, दिल खोल के प्यार करना होगा, फॉरगेट अबाउट सब्सक्राइबर्स, फॉरगेट अबाउट व्यूअर्स, जस्ट उस चीज के अंदर घुस जाओ, उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। पढ़ाई करना है, जॉब करना है, जो भी करना है उस चीज को लेके सोचो, बैठो। पैसे कमाने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, पैसे कमाने के लिए जॉब नहीं कर रहे हो आप, प्यार करके जॉब को कर रहे हो, प्यार करके पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे कोई चीज है जरूर होगा, उसको ढूंढो। आज आपका माइंड बोल रहा है कुछ डिसाइड कर लो, पैसा सब कुछ नहीं है, फेम टेम्पररी है, पावर टेम्पररी है, सुकून परमानेंट है, सुकून को ढूंढिए आज। नेक्स्ट, बॉडी हो गया, माइंड हो गया, अभी सोल का बात। सोल क्या कह रहे हैं आज? सोल कह रहे हैं कि आज थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकलना पड़ेगा आपको, बहुत कुछ चल रहे हैं। हो सकता है कोई बॉस आपको टॉक्सिक तरीके से ट्रीट किया है, कोई फ्रेंड टॉक्सिक तरीके से ट्रीट किया है, या फिर आप अपने घर के मामले में बहुत उलझे हुए हो। आपके सोल बोल रहा है कि आप एक ओल्ड सोल हो, बरसों से आप इस धरती पे हो, एक लाइफ के बाद एक लाइफ, एक लाइफ के बाद एक लाइफ आपके सोल बॉडी चेंज कर रहे हैं, बट सोल का, आपके सोल का कुछ पैटर्न है। आप पैरानॉर्मल चीजों को पसंद करते हो, स्पिरिचुअल चीजों को पसंद करते हो, स्पिरिचुअल जर्नी को पसंद करते हो, बट लोगों के सामने बोल नहीं पाते हो क्योंकि आपको शर्म आते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे जज करेंगे। आप इंजीनियर हो बनना चाहते हो, साकि आप कुक बनना चाहते हो, आप ट्रेवल ब्लॉगर बनना चाहते हो, हो सकता है कि आप अभी एक ऐसे उटपटांग हॉबीज के पीछे दौड़ रहे हो बट ये हॉबी आपके लिए जिंदगी है, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो अगर ये चीज आपके लिए जिंदगी है तो उस जिंदगी को जियो। आपके सोल बोल रहे हैं कि खुद के साथ बातें करो, और ये जो अनाप शनाप सोच और जजमेंटल थॉट्स लोगों का है ये रहेगा। मेरे को भी हेट कमेंट्स मिलता है, अरे भाई मेरे को हेट करके अगर किसी का तसल्ली मिलता है तो उसको तसल्ली लेने दो, बट आई डोंट केयर। तो सिंपली आप भी बोलो कि भाई हो गया, जो बोलना है बोल दो, मैं तो मेरे हॉबी को फॉलो कर रहा हूं। आपके सोल भी आपको यही बोल रहे थे, प्लीज अपना हॉबी को फॉलो कीजिए, अपना लाइफ को फॉलो कीजिए, देखेंगे जिंदगी थोड़ा सा भी आसान हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। अगर रीडिंग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बात करने के लिए आऊँगा फिर कभी। वो भाई टेक केयर।